Hey guys, welcome back to our channel. In this video, we'll be doing the multi-time frame analysis for Bank Nifty and Nifty. And on the basis of that, we'll try to gain a sense of where are the markets headed and how can we align our trades in the basis of the direction. So let's get started with the monthly time frame analysis for Bank Nifty. We'll be following it by the weekly, daily, and the 15-minute time frame for Bank Nifty first. After that, we'll gain a look into what Nifty is doing and how we can trade Nifty, right? Also, at the end of the video, I'll tell you I have taken some overnight positions. I'll tell you what positions I have taken. Okay, so let's get started now. अभी सबसे पहले monthly time frame analysis में bank nifty के मुझे क्या दिख रहा है, first thing मुझे दिख रहा है कि ये inside candles में form हो चुका है, कि December का जो month था उसी के range में Jan का month trade हुआ है, and so far February में 17 days खत्म हो गए हमारे, फिर भी स्टिल वी आर ट्रेडिंग इन द इनसाइड कैंडल ऑफ डिसंबर. ये बेसिकली दिस टेल्स अस कि जब भी मूव आएगा, ये रेंज का ब्रेक जब होएगा ये, ओके, इधर ऊपर या नीचे की तरफ, तो अच्छा खासा मूवमेंट आने का चांसेस बढ़ जाता है बहुत, बिकॉज इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट्स आर रियली पावरफुल. अगर आपको इनसाइड कैंडल्स के ऊपर वीडियो चाहिए, निकिता विल मेक अ सुपर वीडियो ऑन इट एंड वील टेल यू हाउ वी ट्रेड ऑन इनसाइड कैंडल्स. सो प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट अस नो कि यू वॉन्ट द वीडियो ऑन इनसाइड कैंडल्स और एनी अदर टॉपिक ऑफ योर चॉइस. ओके, सो कमिंग बैक हियर, अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिल जाता है या नीचे की तरफ मिल जाता है, आई एम एक्सपेक्टिंग अच्छा खासा मूवमेंट आने का चांसेस है. अभी कीप इन माइंड कि अभी भी राइट साइड पे देखोगे आप तो 12 डेज बाकी है अभी, ओके, ये मंथ का कैंडल खत्म होने के लिए, सो स्टिल 12 डेज आर लेफ्ट. सो लेट्स सी कहां पे क्लोज होता है, ये इनसाइड कैंडल में क्लोज होता भी है कि नहीं, वो लेट्स सी. चांसेस तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि यहाँ ही क्लोज होएगा. एक और चीज बता देता हूँ आपको, सो दैट यू नो वॉट यूर लाइक एंटिसिपेटिंग. नाउ दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल का लो इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द मंथली टाइम फ्रेम. इसके नीचे अगर हमको एक बेरिश क्लोजिंग मिल जाती है, तो अच्छा खासा लाइक डाउन मूव प्लान करेंगे हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे. ओके, तो जब तक 44,500 के नीचे मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं मिल जाती है हमको, we won't be planning very big targets on the downside in Bank Nifty. Okay, so to end the monthly time frame analysis for Bank Nifty, the summary is it's trading inside a range, and the move, whenever the range breaks, because you know 2 months most probably we are going to be trapped in it, the range, wherever the range breaks out or breaks down, you know, we'll be trading in that direction itself most probably, and we might get a good move. So keep an eye out for that, and also keep an eye out for a closing on the monthly time frame below 44,500. अगर ये मिल गया ना हमको, तो अच्छा खासा movement नीचे आ जाएगा फिर. Okay, so let's move. अभी weekly time frame देखते हैं हम. सबसे पहले मुझे बताओ आपको weekly time frame पे ये जो candle है कैसी दिख रही है, bullish दिख रही है कि bearish? मुझे ये एक pin bar candle दिख रही है ऐसी वाली. Okay, निकिता ने इस पे कल ही एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज जाकर वो वीडियो देखे आप. उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पिन बार क्या होता है, उसको कहाँ पे देखना चाहिए, एंड यू नो बेसिकली लाइक हाउ वी लुक एट इट एंड हाउ वी ट्रेड ऑन देम. तो प्लीज जाकर निकिता का वीडियो देखे आप, एंड अगर कोई डाउट हो उस पे तो कमेंट भी कीजिए. सो वील ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज इन अ Q&A सेशन. ओके, सो द वीकली एनालिसिस में मुझे दिख रहा है कि ये जो कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट वीक या तो पॉज एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, या तो बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. पिन बार कैंडल देखो, इसका रेंज भी काफी बड़ा है, तो आई कांट एक्सपेक्ट इट कि ये जो लास्ट वीक का जो लो है वो निकलेगा. ओके, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो लो जीरो जाना चाहिए. ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग बिकॉज ये बुलिश कैंडल है, नेक्स्ट वीक बुलिश या तो पॉज होने के चांसेस वेरी हाई. ओके, सो कीप एन आई आउट फॉर दैट, लेट सी इफ इट वर्क्स ऑर नॉट. ओके, तो नेक्स्ट वीक में पुट सेल का एक ट्रेड लेना तो बनता है नेक्स्ट वीक के लिए. ऑल्सो कीप इन माइंड कि जो भी हम व्यू बनाते हैं, ओके, ये व्यू रॉन्ग जाने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई होता है, क्योंकि नो वन कैन बी करेक्ट ऑल द टाइम. मैंने बहुत लोगों का देखा है, लेट्स से दे मेक 1% 1% 1%, एक ही दिन में बहुत बड़ा 5-6% हार जाएंगे वो. सो वो हमको होने नहीं देना है. जब भी हमारा व्यू रॉन्ग है ना, रिस्क मैनेजमेंट डजंट अलाउ अस टू डू दैट. सो आपका मान लो मेरा ये व्यू चलो बुलिश है एक हफ्ते, तो अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आई शुड नॉट बी गोइंग इन 2-3-4% ड्रॉडाउन इन दिस वीक. ओके, नेक्स्ट वीक अगर बेरिश हो गया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि 0.5% का बेट लो, एक बुलिश खेलना है अगर आपको तो, एंड वैसे खेलो आप.
करंटली ना मार्केट इज प्रिटी वॉलेटाइल एंड इलेक्शन के पहले के जो मंथ्स हो गए वो भी वॉलेटाइल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. सो प्लीज ट्राई टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल. मैंने ये हफ्ते देखा था ट्विटर पे, टू मेनी रेड MTMs एंड टू मेनी लाइक लॉसेज एंड लॉट ऑफ पीपल बिगेस्ट लॉसेज कर रहे हैं वो अपने पूरे FI के. सो बी केयरफुल यू नो. सो वीकली टाइम फ्रेम पे आई टोल्ड यू बेसिक द समरी ऑफ द वीकली टाइम फ्रेम इज बिकॉज दिस इज अ पिन बार कैंडल आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट वीक इधर टू बी अ बुलिश और अ पॉज वीक. ओके सो बुलिश और पॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एन अल्ट्रा बेरिश वीक नेक्स्ट वीक. लेट सी. Also, I told the viewers that whenever you take a view, your view, you know, always it can go wrong. So try not to lose more than 0.5% of your capital. In case the market comes down next week, you shouldn't be losing more than that. अब चलते हैं 15-minute time frame, daily time frame पे सबसे पहले चलते हैं अभी. See, daily time frame पे what I can see, ये एक wick है, okay? ये जो candle है, ये भी wick बना रहा है. And अपनी आज की जो candle थी, वो भी एक wick है, okay? सो ये तीनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं मुझे, ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है वो एक सप्लाई जोन है, राइट? अभी सप्लाई जोन को लाइक इफ द मार्केट हैज टू गो अप, मार्केट को पहले इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, देन ऊपर जाएगा वो, करेक्ट? सो एक हमको क्या चाहिए, आज का जो हाई है फ्राइडे का, राइट, उसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है ना हमको, तो हमारा व्यू और भी क्लियर होगा कि हाँ ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी हाई है. दूसरा हमको क्या समझेगा कि ये जो विक्स आ रहे हैं ना, 1, 2, ये थर्ड है यहाँ पे, ये जो विक्स आ रहे हैं वो विक्स नहीं आएगी, और एक स्ट्रॉन्ग अगर ग्रीन कैंडल मिल जाती है हमको तो हम फिर मान सकते हैं कि यू नो प्रोबेबली बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं अब, और मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है. ऑल्सो लेट सी यू नो, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है ना, हो सकता है कि अगर ऊपर गया तो भी मतलब हॉल्ट कर जाएंगे, हु नोज, यू नेवर नो. ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक मार्केट ये जो हाई है 47,200 का पार कर पाता है कि नहीं. अगर ये नीचे आया ना तो रिमेंबर कि निकिता ने आपको बताया था उसके वीडियो में एक या दो दिन पहले, शी हैड टोल्ड यू कि मार्केट हैज बिकम बाय ऑन डिप्स मार्केट. सो इवन इफ वी गेट अ डिप नो, वील बी लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज टू सेल पुट्स ओनली. लेट्स लुक एट द 15-minute टाइम फ्रेम अभी. अब 15-minute टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है, 15-minute टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि आज का जो रेंज है बड़ा छोटा रेंज है, राइट? जब भी आपको ऐसा छोटा रेंज वाला दिन मिल जाता है तो आपको नेक्स्ट जो डे है रहता है इस रेंज में ट्रेड ही नहीं करना है. आज का जो रेंज था उसमें ट्रेड करना बिल्कुल भी नहीं है. ओके सो आज के हाई के ऊपर अगर निकल जाता है कैंडल से या तो नीचे निकलता है तो आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो 15-minute टाइम फ्रेम पे. वीकली कैंडल तो स्ट्रांग क्लोजिंग थी, सो डेली वॉज नॉट सो स्ट्रांग. डेली में हमको ऐसा दिख रहा है कि रेजिस्टेंस पे जाके उसने एक विक फॉर्म किया है वहां पे, एंड 15-minute चार्ट पे हमको देख रहा है कि एक छोटे से रेंज में अभी ट्रैप्ड है आज के. ओके ये जो छोटा सा रेंज है, तो अगर इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो बुलिश खिलना है, और नीचे की तरफ अगर तोड़ेगा तो आपको थोड़ा रुक के एक जब भी रिवर्सल फॉर्म करेगा ना वो, देन दैट टाइम यू हैव टू ट्राई टू सेल पुट्स इफ इट कम्स डाउन. ओके सो दैट्स इट फॉर बैंक निफ्टी. ओके सो अब देख लेते हैं निफ्टी को एक बार. सी निफ्टी तो मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश ही लग रहा है हमको. ओके दिसंबर मंथ भी सुपर बुलिश था, उसका अगला मंथ एक पॉज था, और एक करंट जो मंथ का कैंडल चालू है अभी भी 12 दिन बाकी है इसके, ये ऑल टाइम हाई निकलने ही वाला है निफ्टी. ओके सो निफ्टी पूरा का पूरा बुल्स के ग्रिप्स में है. ओके वो बेयर के ग्रिप में कभी आएगा, 20,200 के नीचे अगर आएगा वो, जो ये ब्रेकआउट कैंडल का लो है उसके नीचे अगर एक क्लोजिंग आती है ऐसे, देन बेयर्स के ग्रिप में आएगा निफ्टी. 2200 तो बहुत ज्यादा दूर है अभी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट नीचे है. तो निफ्टी में हमको जो भी खेलना है, एनी अपॉर्चुनिटी यू ट्राई टू ट्रेड इन निफ्टी, बुलिश में ही खेलना है निफ्टी को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी साइड्स विद द अपसाइड इन निफ्टी. सी निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे इफ यू लुक एट इट, देन ये जो करंट वीक है एक स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल है. ओके नाउ पिन बार कैंडल मतलब क्या बोलता है, बुलिश कैंडल है, विच मीन्स मार्केट शुड इधर गो अप या तो पॉज देना चाहिए, राइट? नीचे आने का चांसेस कम लगता है पिन बार में. ओके सो निफ्टी में भी सेम व्यू है हमारा कि बुलिश खेलना है निफ्टी में, एंड बिकॉज इट्स लाइक ओनली 100 पॉइंट्स अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि ये 3-4 बार रुक भी चुका है यहाँ पे. तो निफ्टी में अगर एक मूव आता है तो अच्छा मूव आ सकता है ऊपर की तरफ, अगर करंट वीक का जो हाई है इफ दैट गेट्स टेकन आउट. सो करंट वीक का हाई है मैं बता देता हूँ आपको, सो 22,070 है, 22,070 अगर ये नंबर निकल जाता है ना आपका, तो
तो निफ्टी में सिर्फ बुलिश खेलना, बिल्कुल भी बेरिशनेस का सोचना मत। फिर बेरिशनेस कब खेलना रहेगा ना, मैं आपको बता दूंगा डेली एनालिसिस में हमारे। तो निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं बहुत ही पास है ऑल टाइम हाई के, एंड इसमें सिंपल व्हाट वी हैव टू डू इन निफ्टी, वी हैव टू वेट फॉर अ कैंडल क्लोजिंग। ओके, बुलिश कैंडल क्लोज के लिए रुकना है हमको डेली चार्ट पर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर, विच मीन्स ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग आएगी निफ्टी में डेली चार्ट पर। तो और भी अग्रेसिव बुलिश पोजीशंस प्लान करना है हमको फिर निफ्टी में। इसमें भी ये जो डेली चार्ट पर ये जो लास्ट के तीन दिन का जो बाइंग है बहुत स्ट्रांग बाइंग लग रहा है इसमें, सो लेट्स सी, इसमें भी बुलिश ही होने के चांसेस है इस अगले हफ्ते के, या तो पॉज होने के, मोस्ट लाइकली बुलिश होने के चांसेस आर वेरी हाई इन निफ्टी। सो निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे व्हाट वी सी, देखो हमको बुलिश खेलने का है और हमको क्या चाहिए, स्टॉप लॉस छोटा चाहिए। तो आपके लिए इजी ट्रेड क्या होना चाहिए, ये अभी एक छोटा रेक्टेंगल बन चुका है राइट, इसमें अगर एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ जाता है इसमें राइट निफ्टी में, देन हमको एसएल छोटा मिल जाता है। जो भी लाइक फ्यूचर लॉन्ग वगैरह जाते हैं लोग, उनका लास्ट डे लो या तो स्विंग लो जो रहता है ना, दे ट्राई टू कीप दैट एसएल। सो दिस इज प्रिटी गुड, आज का जो हाई है अगर वो निकलता है ऊपर की तरफ, देन वी कैन साइड विद बुलिशनेस इन निफ्टी। एंड कीप इन माइंड कि ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है और भी बुलिश खेलना है हमको। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो इसमें चांसेस है कि ये जो जोन है उसमें पॉज करे सिर्फ, ओके, पूरा नीचे जाने के चांसेस सीम वेरी लो फॉर दिस वीक। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, ओके, आई विल क्विकली गिव यू अ समरी इन इंग्लिश। सो व्हाट द होल समरी ऑफ द वीडियो वाज, यू नो दैट सिंस दिस इज अ पिन मार्क कैंडल, वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट वीक ईदर टू बी बुलिश और अ पॉज। डेली चार्ट पर इफ यू सी इट्स फॉर्मिंग दिस रेजिस्टेंस जोन हियर राइट now, we need a closing above the resistance to have a confirmation that our view is correct, okay? And on the 15 minute time frame, see, this is a very small zone, right? So we need to trade with a big strong candle above that zone. Now, when this happens, we can safely assume that we can start to take a bullish trade. Okay, so in Nifty, this candle is pretty bullish in nature, and since it's very close to its all-time high, we can expect a quick movement on the upside, okay? Movement on the upside. And it can be pretty bullish next week, especially if the current week's high is taken out, right? So if Nifty crosses 22070 on the upside, which is the current week's high, we can expect a strong up move, okay, in Nifty. So let's see, you know, at the end of the week, if our view was right or not. And I'll keep you updated with the daily analysis in case, you know, we try to change our view or something. Most likely, but I think this is the view we'll be sticking with for the next week. And keep your capital very safe because, you know, the markets have become very tough lately. And a lot of people are losing a lot of their capital. So don't try to make the same mistake they are making. And I wish you all the best for the coming week and have a great week ahead. Tomorrow mostly I'll be coming out with a short triangle video. If you want the short triangle video tomorrow, please try to get us 400 likes on this video. If I achieve the 400 likes target on my video, then I'll release the short triangle video ASAP. Okay, so take care.